नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति की पहचान माने जाने वाले कई प्राचीन मंदिर पूरे भारत में मौजूद हैं। यह मंदिर भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और आध्यात्म का जीता जागता प्रमाण है। आपने अक्सर भगवान शिव से संबंधित मंदिरों में शिवलिंग के दर्शन किए होंगे। यह शिवलिंग विभिन्न प्रकार व आकार के होते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन व अद्भुत मंदिर के बारे में बताएंगे जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस अद्भुत शिवलिंग से जुड़ी खास बात यह है कि इस विशाल शिवलिंग का निर्माण एक ही पत्थर को तराश कर किया गया है। इस शिवलिंग की एक और बड़ी विशेषता यह है कि यह एक ही पत्थर से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। भोजेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भोजपुर में स्थित है। भोजेश्वर शिव मंदिर के नाम से विख्यात अधूरा शिव मंदिर भोपाल से भोजपुर 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज द्वारा 1010 ईस्वी और 1055 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर में मौजूद एक शिलालेख पर राजा भोज का नाम भी अंकित है। एक ही पत्थर से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। इस मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग का निर्माण एक ही पत्थर को तराश कर किया गया है। साथ ही यह शिवलिंग एक ही पत्थर से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी है। इस विशाल व अद्भुत शिवलिंग की कुल लंबाई 5.5 मीटर यानी 18 फीट, व्यास 2.3 मीटर यानी 7.5 फीट और अकेले लिंग की लंबाई 3.85 मीटर यानी 12 फीट है। ढलान के द्वारा लाया गया था विशाल पत्थर। प्राचीन भोजेश्वर मंदिर के पिछले भाग में एक ढलान बनी हुई है। इस ढलान के रास्ते से ही मंदिर के निर्माण के दौरान विशाल व भारी भरकम पत्थरों को इस स्थान तक लाया जाता था। यह ढलान प्राचीन भवन निर्माण तकनीक का जीता जागता प्रमाण है। माना जाता है कि यह पूरी दुनिया की पहली तकनीक है जिसका प्रयोग भारी सामान व पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए किया गया है। पूरे विश्व में कहीं भी ऐसी तकनीक के प्रमाण नहीं मिलते। इस ढलान से यह राज खुल गया है कि किस तरह भारी भरकम विशाल पत्थरों को मंदिर के निर्माण स्थल तक पहुँचाया गया होगा। मंदिर का निर्माण है अधूरा। प्राचीन भोजेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। यह निर्माण कार्य क्यों अधूरा छोड़ा गया इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य एक ही रात में पूरा होना था, लेकिन छत का काम पूरा होने से पहले ही सुबह होने के चलते यह निर्माण कार्य अधूरा छूट गया। चार स्तंभों पर टिकी है मंदिर की अधूरी छत। प्राचीन भोजेश्वर मंदिर की अधूरी छत 40 फीट की ऊंचाई वाले चार स्तंभों पर टिकी हुई है। कहा जाता है कि भोजेश्वर मंदिर के चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्सों जैसे मंडप, महामंडप आदि का निर्माण करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। इस योजना के प्रमाण मंदिर के नज़दीक मौजूद पत्थरों पर बने हुए नक्शों से प्राप्त होते हैं। इस्लाम धर्म के आगमन के पहले हुआ था मंदिर का निर्माण। इस मंदिर का निर्माण भारत में इस्लाम धर्म के आगमन के पहले हुआ माना जाता है। भोजेश्वर मंदिर की गुबंदाकार छत अधूरी है जो इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनी हुई है। यह अधूरी गुबंदाकार छत इस बात का प्रमाण है कि भारत में इस्लाम धर्म के आने से पहले ही गुबंद निर्माण का प्रचलन था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह प्राचीन मंदिर भारत में सबसे पहली गुबंदीय छत वाली इमारत या मंदिर है। महाशिवरात्रि पर होता है भोजपुर महाउत्सव।
प्राचीन भोजेश्वर मंदिर में साल में दो बड़े मेलों का आयोजन होता है। एक मेला मकर संक्रांति और दूसरा मेला महाशिवरात्रि के अवसर पर लगता है। खासकर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर तीन दिवसीय भोजपुर महाउत्सव का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर के पास स्थित है पार्वती गुफा। प्राचीन भोजेश्वर शिव मंदिर के पास ही एक प्राचीन गुफा भी मौजूद है। इसे पार्वती गुफा कहा जाता है। यह गुफा ठीक मंदिर के सामने पश्चिम दिशा में स्थित है। इस गुफा में प्राचीन मूर्तियां संभाल कर रखी गई हैं। कैसे पहुंचें? भोपाल से भोजपुर 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट नज़दीकी एयरपोर्ट है। भोपाल रेलवे स्टेशन से बस व टैक्सी के द्वारा भी मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी भोजेश्वर मंदिर से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।